जय श्री कृष्ण। गीता के चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त यह योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है और तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थिर हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भार, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का महत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्धि नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। देह योग से जो कुछ मिल जाए, उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता है, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसकी मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, और इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञानमय है, उसको ब्रह्म प्राप्त होगा। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं।
और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित स्वयं रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम से तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं, प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होम देते हैं, वे यज्ञवेता है और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको ये लोक और परलोक दोनों ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो। हे प्रंतम, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी योग लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के सम्मान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है, और जो ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वे नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधान और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम को, संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण। गीता के चौथे अध्याय का समापन हुआ।